बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने देने वाले सिंगर केके यानी कृष्ण कुमार खन्नाद अब हमारे बीच नहीं है। केके का निधन 31 मई 2022 की आधी रात के करीब कोलकाता के एक शो में परफॉर्म के दौरान हुआ। बताया जा रहा है कि 53 साल के केके कोलकाता में नाजरुल मंच में परफॉर्म कर रहे थे। परफॉर्मेंस के दौरान वह बेचैनी महसूस करने लगे, जिसके बाद उन्हें पास के CMRI हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कहा जा रहा है कि ग्रैंड होटल की सीढ़ियों पर केके को हार्ट अटैक आया। उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में रखा गया। केके की मौत की खबर सुनते ही TMC सांसद और सिंगर बाबुल सुप्रियो, संगीतकार जीत गांगुली, पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री अरूप विश्वास अस्पताल पहुंचे। थोड़ी देर में केके के सैकड़ों फैंस भी अस्पताल के बाहर जमा हो गए। कितना 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 गाना, बंगाली गाना गाया है, सब गाना गाया है। और यू वाज फिट एंड फाइन, सबसे बड़ी बात है कि ओनली 53 एकदम फिट था, वो प्रॉब्लम नहीं था। इट्स अ ग्रेट लॉस, अ ग्रेट लॉस। केके की मौत की खबर आते ही पूरा बॉलीवुड, संगीत जगत और उनके फैंस शोक में डूबे हैं। केके को आज के दौर में बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर सिंगर्स में से एक माना जाता है। केके हिंदी के कई मशहूर गीत गाए, जो आज भी संगीत प्रेमियों की जुबान पर है। फिल्म हम दिल दे चुके सनम का तड़प तड़प, बचना ए हसीनों का खुदा जाने, ओम शांति ओम का आंखों में तेरी, जन्नत का जरा सा हमराज का बर्दाश्त नहीं कर सकता, 10 का 10 बहाने करके ले गए दिल, केके के गानों की लंबी फेहरिस्त का ये चुनिंदा हिस्सा भर है। केके ने न सिर्फ हिंदी गीत गाए बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और बंगाली में भी गीत गाए। 31 मई को उनका दूसरा शो था, जो उनके जिंदगी का आखिरी शो साबित हुआ। कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ, जो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। ये गाना जो है ना, सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। This is one of my favorite romantic songs actually. I still remember, I hope Jyoti is listening, my wife. क्योंकि जब मैंने उसको पटाया था ना, तो मैंने ये हाँ ये मैं पूछने वाली, तो मैंने यही गाना गाया था उस टाइम पर। दिस आई रिमेम्बर सिंगिंग इन आवर कॉलोनी में, हर एनुअल डे फंक्शन होते थे, तो मैं ये गाता था उनकी तरफ देख के। वो भी नहीं कर सकते कि मम्मी डैडी बैठे होते ना, तब तो यू कांट बी सो डायरेक्ट, यू हैव टू लाइक बीच में स्टील कर लिया गाते गाते कहीं से ऐसे दूर देख लिया। केके के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मशहूर सिंगर कृष्ण कुमार खन्नाद, जिन्हें केके नाम से जाना जाता था, उनके असामयिक निधन पर बेहद दुखी हूं। उनके गानों की वाइड रेंज ने हर उम्र के लोगों को प्रभावित किया था। हम हमेशा उनके गानों के जरिए उन्हें याद रखेंगे। उनके परिवार और फैंस के लिए संवेदनाएं, ओम शांति। केके के पेरेंट्स मूल रूप से मलयाली थे। उनका जन्म 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में हुआ था। केके ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किरोड़ी लाल कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया था। अपने सिंगिंग करियर के शुरू होने से पहले लगभग 4 साल में केके ने 11 अलग अलग भाषाओं में 3500 से ज्यादा जिंगल्स को अपनी आवाज दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज तक।